हेलो गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए एक सिंपल सा चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हिंदी में कहेंगे परावर्तन और अपवर्तन। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, ये होता है परावर्तन, परावर्तन, और ये होता है अपवर्तन। हिंदी का तो जाए तो बच्चा कुछ नहीं कर सकते हैं, परावर्तन अपावर्तन अपवर्तन। देखिए लाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लाइट क्या है? प्रकाश, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। लाइट क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है। वी सी द सेंसर ऑफ पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। लाइट जब चलती है तो अपने साथ एनर्जी लेके चलती है, ऊर्जा लेके चलती है। लाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? किसने बताया था? आइंस्टीन ने। इक्वल एमसी स्क्वायर। चलिए इसमें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने एक मिरर लिया, मिरर मीन्स ग्लास शीशा, आपने एक मिरर लिया और मिरर में पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, मिरर में पॉलिश कर दिया। यहां से लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, लाइट रे जहां डालेंगे टकरा के वापस जाएगी। जैसे लाइट रे इंसिडेंट करेंगे टकरा के वापस आती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे लाइट टकराए और टकरा के बैंड हो जाए, बल्ब से होकर टक वापस आए, टक वापस आए, टक वापस आए, ये क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या है? परावर्तन। जब कोई पार्टिकल जाके टकरा के वापस आता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। जब बच्चा रिफ्लेक्शन का जो फिगर बनाया है, रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ सरफेस पे, एक होता है रफ सरफेस पे। स्मूथ का मतलब चिकने सतह पर, और दूसरा कैसे? रफ सतह पर। रफ का मतलब समझ रहे ना, जो खुदरा हो। तो बच्चा यदि स्मूथ सरफेस पे चिकनी सतह पर, जैसे कांच पे, कांच पे पॉलिश कर दिया, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, लाइट डालेंगे इस पे, किससे? लाइट से। किससे? लाइट से, लाइट के थ्रू। लाइट माने प्रकाश होता है, लाइट इंसिडेंट करेंगे तो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? आई। क्या होता है? और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब बाहर चला गया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे हिंदी क्या बोलेंगे? परावर्तन, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तन। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। कैसी किरण? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये यहां पे जो एंगल बनाए के नॉर्मल से दिस, इसे आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। आई को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट
एंगल, हिंदी बोलेंगे आपतित किरण, क्या आपतित कोण, क्या बोलेंगे आपतित कोण। और आर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलेंगे परावर्तित कोण। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल लाइज इन सेम पॉइंट, तीनों दोनों तीनों किसमें होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम पॉइंट, किसपे होते हैं एक पॉइंट होते हैं, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे होता है, होता है नहीं होता है बोलो, नॉर्मल अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसे क्या बोलेंगे आपतित किरण, इसे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों किसमें होंगे और यह अभिलंब, तीनों किसमें होंगे एक ही पॉइंट पे, इसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, किसमें होंगे सेम प्लेन। यहां पे एक कंडीशन और होती है, एंगल आई इक्वल किसके होगा, एंगल आर के, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, एंगल नहीं समझ रहे क्या था, कोण, ठीक है ना, आई कोण किसके इक्वल होगा आर के, बात समझ में बच्चा। ये तो था आपका रिफ्लेक्शन कला, किस कला था रिफ्लेक्शन कला था, इसे लिखने की कोई नीड नहीं है, वीडियो भी है पढ़िए, आप लिखने वाला काम छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे, देखो जब मिरर पर लाइट पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्या पड़ती है मिरर पे लाइट पड़ेगी तो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, और लेंस पे पड़ती है क्या होता है रिफ्रेक्शन, क्या होता है रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन बच्चा क्या होता है, अब रिफ्रेक्शन बात समझेगा। हाँ ये स्मूथ सरफेस के लिए था, एक हमने बात करी थी रफ सरफेस पे, रफ सरफेस क्या होता समझो ध्यान दो, रफ सरफेस क्या होता है, अच्छा इसी में किसने लाभ भी आया था, इसने ला आगे रिफ्रेक्शन में बताएंगे, कौन सा लाभ स्नेल्स ला, कौन सा बच्चा हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्या है स्नेल्स ला, समझेगा रिफ्रेक्शन क्या होता है, रिफ्रेक्शन आपने एक ग्लास लिया, ग्लास क्या लिया ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, ग्लास रह भी ऐसे बना देना है, एक आपने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब, ग्लास कैसा है ट्रांसपेरेंट है, कैसा है ट्रांसपेरेंट, कोई पॉलिश वॉलिश नहीं सीधा, कैसा है ट्रांसपेरेंट, कैसा है देखा ना ट्रांसपेरेंट आपने, लाइक मिरर, लाइक ग्लास, गूगल मार्कर रचना, गूगल ये इस पे लाइट रेज इंसिडेंट करे टक से तो कहां जाएगी बाहर निकल जाएगी, कैसे क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा बच्चा रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें देखो मीडियम होता है, इसे बोलते हैं मीडियम, क्या बोलते हैं मीडियम, मीडियम क्या एयर, ऊपर क्या है एयर, कौन सा मीडियम है एयर मीडियम, हवा क्या है इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे वायु,
मीडियम क्या? वायु, ठीक है ना। इसको और बोलते हैं क्या? रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम समझते हो? बिरल माल। क्या? बिरल। बिरल का मतलब समझते हो? बिरल क्या होता है? बिरल का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है ना। जैसे क्लास है 32 सीटर क्लास है, जैसे बस देखा है कभी कभार ठूस ठूस बस भरी जाती है, सीटें होती 50 की, बाहर जाता है उसमें 70, तो उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? जैसे ग्लास है, ग्लास के पार्टिकल कैसे होंगे? पास पास सबके होंगे, और ये कैसे होंगे? दूर दूर दूर। अब इसमें जब लाइट रेज इंसिडेंट की जाएगी, क्या करते हैं? इंसिडेंट करते हैं। ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है ये लाइट रेज? कैसे जानी चाहिए थी? इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे है ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे नहीं आती है। कैसे जाती है? ये ऐसे हो जाती है। किधर बंद होती है? ये आई है, ये आर है, ये नॉर्मल की ओर झुकती है। किधर झुकती है? नॉर्मल की ओर झुक जाती है। किधर झुकती है? बंद होती है, नॉर्मल की ओर झुकती है। और ये ऐसे आगे आएगी, यदि यहां पे फिर नॉर्मल बना दे, ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम। नीचे फिर क्या आएगा? एयर आएगा। इसको ऐसे ही पास होना चाहिए था, ऐसे ही पास होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे पास नहीं होती, और ये नॉर्मल की ओर नहीं बैंड होगी, ये नॉर्मल से दूर हटती है, रेबिए जाए। क्यों? क्योंकि अब डेंसर मीडियम किसमें आई? रियल मीडियम। किसमें आई? रियल मीडियम। बिरल मात्र सघन से किसमें आई? बिरल मात्र। जब डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में कोई रे आती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से हटती है, दूर हटती है। यहां पर एंगल आ है, एकदम यहां देखे तो ये भी एंगल कितना होगा? आई डैश होगा, और ये एंगल कितना होगा? नॉर्मल से चेक करते हैं, एंगल कितना होगा? आर डैश होगा। कितना होगा? आर डैश होगा। बात समझ में? बोलो बच्चा। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हम लोग कैसा दिखाई देता है? उल्टा। कैसा दिखता है? उल्टा। हम अपने माइंड से समझते कैसा? सीधा। जब कभी गर्मियों का दिन होता है और कभी दूर से सफर करके आओ, आप बाहर दूर से खड़े होकर देखो, आपका घर दिखेगा लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो गांव कहते हैं भूलना रख लिए, वो भूलना उलना कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है? वो जो आपका घर होता है ना, देखो जब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि देखो जब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी में तो घर, तो जैसे पानी में लकड़ी डालेंगे वाटर में, लकड़ी क्या होगी? तैरेगी। लोहा डालेंगे क्या होगा? डूब जाएगा। क्या होता है? डूब जाता है। तो लकड़ी क्यों तैरती है? क्योंकि पानी की डेंसिटी से लकड़ी की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो तैरता है। और आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, पानी से वो डूब जाता है। लकड़ी का अगर 1 किलो का 1 kg का है पार्ट डाल देंगे बटर में, तैरेगी। लोहे का 1 कील डालेंगे, वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? वुड से, लकड़ी से। बात समझ? एटमॉस्फेयर में क्या एयर? अभी एयर कहां है? नीचे ठंड में। जब बहुत गर्मी पड़ती है एयर कैसे होती है? ऊपर उठ जाती है।
ऊपर उठती है तो इमेज इमेज डिफरेंट बनती है ऐसे। एयर किसी तरह वैक्यूम में, किसमें जाता है वैक्यूम में, वैक्यूम में एयर वैक्यूम से एयर में जाए तो वैक्यूम की डेंसिटी और कम होगी और एयर की ज्यादा होगी, तो अपनी एक्चुअल पास से ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब माइंड ठीक होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, क्या हमारा घर ये था, अंदाज होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो कुछ जब लड़कियां निकलती थी तो पहचान जाते थे, अच्छा ये वाली लड़की जा रही है, आवाज से के पटपट करके चलती, चट चट करके चलती है, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो आवाज से पहचानते हैं, कुछ लोग पैर चलने से पहचान देते हैं। हमारे जो टीचर लोग हुआ करते थे, टीचर बहुत खतरनाक होता था, पैर पहचानते थे, टीचर आराम से बैठ जा रहे, देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी आवाज ही सब चलने से समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही है, ठीक है ना। इसमें बच्चा इंपॉर्टेंट क्या है, स्नेल सला, कौन सा स्नेल सला, स्नेल सला क्या है, साइन आई बाई साइन आप इक्वल म्यू होता है, क्या होता है म्यू, म्यू क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इसे बोलते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है हीरे का, किसका होता है हीरे का, हीरा किस तरीके से दिखाई देता है, कांच की तरीके से, हीरे के बाद किसका होता है कांच का, किसका ग्लास का, कितना होता है अप्रॉक्स 1.5। देखो पहले ग्रेफाइट का हीरे का, ग्रेफाइट हीरे का कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन पे ग्रेफाइट बोलते हैं हीरा, हीरे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.44 और ग्लास का अप्रॉक्स 1.56 ऐसा होता है, 1.5 से ले लिया। और ग्लास कैसा दिखाई देता है, वाटर की तरीके से, पानी में ग्लास, कांच ग्लास, ग्लास की हो, ग्लास ग्लास की हो, कांच की ग्लास हो उसमें वाटर भरते हैं, क्लियर वाटर हो तो हमें दिखता है कैसा दिखता है, ग्लास की तरीके दिखता है, कांच की तरीके दिखता है। वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है, वाटर बाद में एयर का होता है, इसका होता है एयर का। देखो रोड पे चलो गर्मी के दिन पे, दूर से रोड देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, लगता है पानी होता है, एयर भरी होती है, क्या भरी होती है एयर, तो पानी कैसा लगेगा एयर तरीके से, ठीक है ना। 1.2 समथिंग होता है और सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इसका वैक्यूम का, 1 होता है, ठीक है ना, बात समझ रहे। तो ये हमारा आपके कागज से 60 पढ़ा दीजिएगा, तुमने 60 में बता दिया। एक बात और समझिएगा, देखिएगा जब हम एयर में चलते हैं, एयर में लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा होती है, हवा में, एयर में और वैक्यूम में एयर की जो वेलोसिटी होती है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की चाल होती है इसमें एयर में, एयर और वैक्यूम में लगभग इक्वल होता है। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से, 3×10⁸। ग्लास में चलेगा या वाटर में चले
या लाइट, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और अभी आपने स्नेल्स लॉ से पढ़ा था कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू होती है सी बाई बी, क्या होती है सी बाई। तो इससे बच्चा न्यूमेरिकल आते हैं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कल हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। बच्चा जो चैप्टर आपको अच्छा लगे कल आप वो बताइएगा, पढ़ा देंगे आपको। और यदि स्कूल में हमारी छुट्टी रहेगी तो हम आपको कॉल कर देंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पहले आ जाएंगे डे में, तो डेढ़ दो घंटा पढ़ा देंगे, मैथ पढ़ा देंगे, तो एक पूरा चैप्टर भी फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन लिखिएगा एक छोटा सा, पूरा नहीं क्वेश्चन है बच्चा। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास, ग्लास में स्पीड क्या है ना। तो कुछ नहीं गिवन है, स्पीड पूछ रहा है। अभी आपने पढ़ा था कि म्यू इक्वल क्या होता है सी बाई बी, तो मैं बी पूछा गया, क्या पूछा गया बी फाइंड आउट करा, तो बी यहां पहुंचा देंगे तो म्यू अपान में आएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू याद रखेंगे 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू 1.5, ठीक है। तो बी की वैल्यू पॉइंट आके जीरो बढ़ाएंगे, 15 × 30 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। यहाँ नहीं रखी थी कैप, चलो वीडियो में डाल दे, नहीं रखी है इसमें, और ये तो नहीं है सर, नहीं बंद बंद कर। तो बच्चा आप अपने चैनल को यानी कि जिसपे आप पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिए बच्चा, इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। बच्चा के यदि एक पर्सन पर पर्सन तीन तीन लोगों को सेंड करेगा तब भी लाइक बहुत हो जाएंगे, और उनसे बोलिएगा वो अगले तीन लोगों को सेंड करें। एक चैनल बना दीजिए बच्चा, और आपको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाते रहेंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, If the refractive index of water for light going from air to water, बच्चा कहाँ से? Air से किसमें जा रहा है? Water में। Refractive index कितना दिया गया? 1.33। तो कह रहा है कि what will be the refractive index for light going from water to air? और जब water से air में जाएंगे, water से air में जाएंगे, तो refractive index क्या? ठीक बात, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे W म्यू ए इक्वल 1/a μw, W म्यू ए इक्वल 1/1.33 आएंगे जो जीरो से चलेंगे, 100 में 133 से डिवाइड कराएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1000 में 7 टाइम जाएगा, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, तो 2 आएगा, 21 × 23 होएगा, ठीक है ना। और 7 × 7 = 7 × 9 = 9, यदि आप 8 टाइम कर देंगे 8 × 22 = 24, और 8 × 1 तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। वही मेरे माइंड में चल रहा था कैलकुलेशन, ये टाइम क्यों नहीं, तो 9 लिखेंगे, 9 से 3 लेस करेंगे 6 है, तो 0 आएगा, 0 रिप्लेस करेंगे कितनी बार आएगा, 5 टाइम करके देखेंगे, 5 × 15 = 16, 5 × 5 = 6, ठीक है ना, कितना टाइम गया, 5 टाइम, तो 5 आएगा, यहाँ 8 से 6 कर लेस करेंगे 2 आएगा, फिर डिवाइड कराएंगे तो बच्चा दो डिजिट तक बहुत है 0.75, सीधा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे अपवर्तनांक,
इसका कोई मात्रक मीन्स यूनिट नहीं होता है। बात सुना है? एक और क्वेश्चन कर लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रोसेस्ड टू पेंटिंग एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33। कह रहा कि रिस्पेक्टिवली इन विच ऑफ द मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टर, मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, क्रोसिन दिया गया, पेंटिन दिया गया है और वाटर दिया गया। देखिए ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रोसिन में कितना है 1.44 और पेंटिन में कितना है 1.47 और वाटर में कितना है 1.33। कह रहा किस में लाइट फास्टर होगी, बोलिए ऑब्जेक्टिव के लिए है, वाटर में किसमें होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट फास्टर होगी, ठीक है ना। लाइट किसमें फास्टर होगी, वाटर में। और सबसे कम स्पीड किसमें होगी, स्पीड लेस, सबसे लेस किसमें होगी, पेंटिन। और फास्टर इसमें क्या होगी, फास्टर होगी, क्या होगी बच्चा, लाइट फास्टर होगी, ठीक है। एयर होता सब जरा किसमें होता, एयर में। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एसके सिंह का जय हिंद।